सच्ची मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इंसान कभी भी रिश्ते में मुखलिस नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं बेवफाई या ना इंसाफी कर ही बैठता है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। कहा जाता है कि एक बादशाह का एक वजीर था जो हर मामले पर एक ही जुमला दोहराता था कि इसमें भलाई है। एक दिन किसी वजह से बादशाह की उंगली कट गई, जिस पर वजीर ने हमेशा की तरह कहा इसमें भलाई है। इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा आया कि भला उंगली कटने में क्या भलाई, और साथ ही वजीर को कत्ल करने का हुक्म दिया, जिस पर वजीर ने फिर यही कहा इसमें भलाई है। हफ्ते में एक बार घूमने जाना बादशाह का मामूल था। एक दिन बादशाह घूमते हुए किसी ऐसी जगह पर चला गया जहां बुतों के पुजारी रहते थे। उन्होंने बादशाह को पकड़ लिया और बुतों का तकर्रुब हासिल करने की खातिर बादशाह को कुर्बान करने की गरज से पेश करना चाहा। ज़िबा करते वक्त देखा कि बादशाह की तो उंगली कटी हुई है। सबने बुतों के लिए नाकस कुर्बानी पेश करने को मुनासिब न समझा और बादशाह को आज़ाद कर दिया। वापस लौटने के बाद बादशाह फौरन वजीर के पास आया और उसे आज़ाद किया और सारा किस्सा सुनाकर वजीर से पूछा, उन लोगों से निजात पाने में मेरी कटी हुई उंगली भलाई साबित हुई, लेकिन तुम्हें कैदोबंद की सख्तियाँ झेल कर कौन सी भलाई मिली? जिस पर वजीर ने कहा, मुझे ये भलाई मिली कि मैं आपके साथ नहीं गया, वरना आपकी जगह मुझे कुर्बानी की गरज से पेश किया जाता। अगर गौर किया जाए तो हर काम में अल्लाह की भलाई होती है। इंसान की अकल इतनी कामिल नहीं कि वो अल्लाह की हिकमत जो हर काम में होती है पहले से जान सके। अगर तुम ये जान लो कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कैसे और किस तरह करता है तो तुम्हारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से फट जाए, मुश्किलात हल हो जाया करती हैं और रास्ते भी निकल आते हैं। बस इंसान का यकीन मजबूत होना चाहिए, इंसान को ये एतमाद और भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह हमेशा उसके साथ है। अल्लाह पर यकीन सख्त अंधेरे में भी रोशनियां पैदा कर देता है। जमाने का काम है मुश्किल में डालना और अल्लाह का काम है मुश्किल से निकालना। जब अल्लाह का कर्म हो जाता है तो वसीले भी बन जाते हैं और मांगने का तरीका भी आ जाता है। जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो तो फिर उस मामले और अल्लाह के दरमियान से निकल जाया करो। कोई साथ हो या ना हो, अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है। बेहतरीन फैसले चाहते हो तो सब अल्लाह पे छोड़ दो। जब कोई हाथ और साथ छोड़ देता है तब अल्लाह कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है।